अब बिला ताखीर खिताब के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे फैसलाबाद से तशरीफ लाए मेहमान फजीलतु शेख वाइद खुशलहान वली कामल शाह तरन्नम हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन सादे साहब हफिदहुल्लाहु ताला। यहाँ पे मैं एक बात दर्ज कर दूँ, कल रात को कारी साहब के एक बेटा और एक बेटी, उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो बच्चे चूँकि घर में हलालत के अंदर हैं, बावजूद इसके कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने वादा किया हुआ है, आप दुआ करें अल्लाह ताला इनकी और इनके घर वालों की पल पल हिफाजतें फरमाए। तो मैं कारी साहब का मशकूर हूँ कि जो परेशानी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप तकरीर के लिए दावत देता हूँ कारी मोहम्मद अहमद हसन सादे साहब, इंशाल्लाह उनका बड़ा ही जानदार खिताब होगा। उनकी आमद से कबल ज़रा अपनी बेदारी का सबूत दे दिए, नारे तकबीर, मोहब्बत और प्यार से नारे तकबीर, कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, कुरान और सुन्नत। कारी मोहम्मद अहसन हसन सादे साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا। الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واغلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا ونهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفيد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے کس قدر گئے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان ولے لے آکے خدا والکمر گئے پشانی تے مکھ زہا نات خانہ خطیباں تے وس وچ نہیں نات خانہ خطیباں تے وس وچ نہیں جس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر گئے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تل دینا اوقات تے ذات ہے کو سبحان اللہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات گئے جس نے جتھے تل دینا اوقات تے ذات ہے کوئی حبشے تو وکدا بلالا ونج کوئی حبشے تو وکدا غلاما ونج انو کعبے دی چھت تے چڑا جان دے کس قدر گئے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور سائیں دے یاراں دی وی شان سنان دا وجان ہو کے قربان آقا تو سنان دا وجان سائیں دے یاراں دی وی شان سنان دا وجان ہو کے آقا تو قربان سنان دا وجان نبی دے اشارے دی دیروں دیا ہر
सिहाबी ते तन मन लुटा जान दे किस कदर गै बनाया हसी मुस्तफा मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बढ़ाई तनहाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते पाक वास्ते खास दुरूद ओ सलाम सईदुना व इमामुना इमाम कुल फखर रसुल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम दी ज़ाते गिरामी जीवकार सामाईन व सामयात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालक ने अपनी रहमत और तौफीक खास नल सानू अपने घर मस्जिद के अंदर कुरान हदीस दियां बातां सुन सुनाण वास्ते जमा होण दी तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है जिन अहबाब ने अज दे प्रोग्राम नू तरतीब दिता मस्जिद दे इमाम खतीब मुंतजमीन मुआविनीन अहबाब जमात नमाजी हजरात जमाती अहबाब अल्लाह ताला सब दी मेहनत कोशिश कावश अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मस्जिद दे खतीब मुबल्लिगे इस्लाम हजरत मौलाना निशान अंजम साहब हाफिज़हुल्लाह मस्जिद दे इमाम साहब मोहतरम हजरत कारी अजीम इब्राहिम साहब और इन्हां दी पूरी जमात अल्लाह ताला सब दी मेहनत अपनी बारगाह दे अंदर शर्फ कबूलियत नाल नवाज़े। हजरात कुरान पाक दे दो मुकामात तो तुसां अहबाब दे सामने तिलावत करन दी शहादत हासिल कीती। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खूबसूरत जिंदगी दा इन दो आयात दे अंदर तज़किरा फरमाया। हर मुसलमान कोई वहाबी है देवबंदी है बरेलवी है किसी भी मसलक नाल तल्लक आज तो 1450 साल कबल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत और किरदार जो लोगों के सामने पेश किया वही किरदार आज कुराने पाक दी आयात दी शक्ल दे अंदर अहदीसे मुस्तफा दी शक्ल दे अंदर सीरत उन नबी दिया किताबां दी शक्ल दे अंदर साढ़े कोल मौजूद है। जिमें अज तो 1450 साल या 1500 साल पहला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस सीरत और किरदार नू अपना करके अबू बकर सिद्दीक बन गए उमर फारूक बन गए उस्मान शर्मो हया दे पैकर बन गए अली शुजात ते जुर्रत ते तमगे लै गए सैयदना गदर ते बिलाल इस्तकामत दा ताज पहन गए। उसे सीरत नू अज असी अपना करके अपनियां जिंदगियां दिनों शिरक खत्म कर सकने हैं रस्मो रवाज खत्म कर सकने हैं शराबा मुका सकने अपने मुआशरे दिनों मुसीकी मुजरा खत्म कर सकने हैं फिल्मा ड्रामे गाने खत्म कर सकने हैं अपनी जिंदगी दिनों चुगली गीबत झूठ फराड बद अखलाकी खत्म कर सकने हैं। साड़ी जिंदगी साफ और सुथरी हो जाए फिर सानू कदम कदम ते नबी पाक ने इस सलाम को सलाम की सीरत को फॉलो करना आपकी सीरत को अपनाना पड़ेगा। नबी पाक ने इस सलाम को सलाम के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर ले करके आना पड़ेगा और जितनी देर तक मुसलमान के किरदार के अंदर नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम की सीरत का रंग नजर नहीं आता
उन्नी देर तक साडा मुआशरा संवर सकता। इस मुआशरे को संवारन का वाहद हल कि नबी पाक ने जिस सलाम व सलाम की सीरत को बनाया जाए। कोई बच्चे नबी पाक ने जिस सलाम व सलाम का बचपन देख के अपना बचपन सवार सकते। कोई लड़कपन के अंदर महबूब का लड़कपन देख के अपना लड़कपन सवार सकते। कोई जवानी के अंदर नबी पाक ने जिस सलाम व सलाम की जवानी नु देख के अपनी जिंदगी संवार सकते। कोई 40 साल तो बाद वाली जिंदगी वाले मेरे पैगंबर दी 40 साल तो बाद वाली जिंदगी नु वेख के अपनी जिंदगी संवार सकते। रात ओ महबूब एडे सोहने किरदार वाले एडी सोहनी सीरत वाले नबी पाक अली किस सलातु व सलाम दा बैठना उठना लेटना चलना फिरना आपदा सोना आपदा बेदार होना नबी पाक दी फजर जोहर असर मगरब इशा तहज्जुद नमाज इशराक नमाज जनाजा नमाज ईदैन नबी पाक अली किस सलातु व सलाम दियां खुशियां गमियां ए ते साडे वास्ते नमूना है ही नहीं। गुजरां वाले वालियो तवज्जो करना अल्लाह ने सानू ओ नबी अता कीते जिहड़ा नबी भुल भी जावे ते अल्लाह ने ओदा भुल जाना साडे वास्ते रहमत बना दिता है साढ़े वास्ते दीन बढ़ा दिता है। बड़ी मशहूर हदीस नबी पाक ने एक दिन 4 रकतां के बजाय 2 रकतां पढ़ा दीतियां। किनियां? आप घर तशरीफ लै गए नबी पाक दे सहाबा कहन लगे अज नबी पाक ने नमाज थोड़ी पढ़ाई है नमाज कम हो गई है या आप भुल गए ने। आप दे सहाबी गए नबी पाक ने जाके दरखास्त की थी मेरे आका तशरीफ लै के आए रहमत कायनात अली की सलातु व सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा ए मेरा सहाबी ठीक कहिंदा पिए। मेरे पैगंबर दे सहाबा कहिंदे ने सुनियो ठीक कहिंदा पिए तुसी 2 रकतां पढ़ाइया ने नमाज घट गई है या तुसी भुल गए हो। मेरे पैगंबर दे सहाबा कहिंदे ने सुनियो 2 रकतां ही पढ़ाइया ने आपने 4 रकत मुकम्मल की सजदा साहब किया उम्मत वास्ते नमूना बन गया। अगर नबी पाक अली की सलातु व सलाम भुल देना ते अज दा कोई इमाम भुल जांदा ते तुसा मस्जिदे रहण देना हैं कढ़ छड़ना सी मौलवी जी भी नमाज भी चज नाल नहीं पढ़ा सकते। मेरे पैगंबर दा भुल जाना भी उम्मत वास्ते रहमत। इतना प्यारा ते सोहना नबी और जिहड़ा नबी भुल भी जावे ते उम्मत वास्ते दीन बन जाए ते उस नबी दी सुन्नत नू छड़ के उस नबी दे तरीके नू छड़ के अज असी जलीलो रुसवा हुंदे फिरने आ। आइए नबी पाक अली की सलातु व सलाम की सीरत का एक अहम पहलू ओदियां 5 मिसालां तुहाडे सामने रख के किताब सुन्नत की रोशनी के अंदर तुहाडे कोल इजाजत चाहवांगा। दुआ करना अल्लाह ताला शरा सदर फरमाए किताबो सुन्नत के मुताबिक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुहब्बत नाल अल्लाह दा कुरान नबी पाक अली की सलातु व सलाम दा फरमान समात कर दिया जाना हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु दुरूदी पाक जरा गज वज के पढ़ो सल्लल्लाहु सारे पढ़ो सल्लल्लाहु। अल्लाह ताला ने नबी पाक अली सलातु व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया औज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम फला अल्लाका बाकियुन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल गदीस यसफाम फरमाया सुनिया करे काफर ईमान नहीं ले आंदे ते इन्हां दी खातर अपनी जान नू खत्म कर लवोगे। मेरे पैगंबरी सलातु व सलाम दियां गिरसां नबी पाक अली सलातु व सलाम दियां ख्वाहिशां मेरा घर उम्मती जहन्नम तो बच के जन्नत दा हकदार बन जाए। हर वक्त नबी पाक अली सलातु व सलाम तड़पते रहिंदे ने उम्मत वास्ते और कुरान कहिंदा है फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ रगी
फरमाया तुहाडे अंदर साडा ओ नबी आए ओ रसूल आए जिहदे कोल उम्मत दा दुख नहीं वेख्या जांदा उम्मत दी तकलीफ नहीं वेखी जांदी मेरे पैगंबर उम्मत दा दर्द लैके आए मेरे पैगंबर उम्मत दा गम लैके आए ओ सोना जग ते शाग उम्माया सोना जागी ते शागे उमम माया वंडणे दुखियां दे गम माया सोना जागे ते शागे उमम माया वंडणे दुखियां दे गम माया कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई सुल्फ चुमे कोई नैन चुमे कोई सुल्फ चुमे कोई नैन चुमे बण अरब दसो गोणा चंदाया अद्धे को बोले जरा खिंच के को सुभान अल्लाह बण अरब दसो गुणा चंदाया वंडणे दुखियां दे गम माया सुन जागे ते शागे उमम माया वंडणे दुखियां दे गम माया सिंदा कबरां विच पैंदियां सने जिंदा कबरां विच पैंदियां सने आका आए ते बेटियां कहंदियां सनी आए आका ते बेटियां कहंदियां सने की कहंदियां सने तेरा आवड़ा साडे कम आया सोना तेरा आवड़ा साडे कम आया वंडणे दुखियां दे गम आया सोना जागे ते शागे उमम आया वंडणे दुखियां दे गम आया और अगला जुमला बड़े प्यार नाल समाप्त फरमाना अगर तुसी होर ना बोले ते मैं पूरी तकरीर फिर नात कोई नहीं पढ़नी एडा वड्डा जुमला जे एदे ते भी ना बोले ते फिर इंशाल्लाह तकरीर ही सुनोगे नात कोई नहीं होनी तवज्जो करना सोना जागी ते ओ सरदार आए सोना जागी ते ओ सरदार आए जिदी कोली कायनात तेरी आया है ओ जिदी कोली कायनात तेरी आया है उम्मत दा बण खाके में आया उम्मत दा बण खाके में आया वंडणे दुखियां दे गम आया सुन जागे ते शागे उमम आया वंडणे दुखियां दे गम आया सदके जावा कुर्बान जावा मेरे पैगंबर उम्मत दा दर्द लेके आए ते नबी पाक ने सलाम सलाम दियां अखां विचों आंसू निकले अज तो 1450 साल पौने 1500 साल पहले मेरे पैगंबर दियां अखां विचों आंसू निकले कोठियां वास्ते नहीं बंगलियां वास्ते नहीं जायदादां वास्ते नहीं फराबट्टियां वास्ते नहीं बल्कि मेरे तेरे वास्ते नबी पाक रोए आप दियां अखां विचों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू निकले मेरे तेरे वास्ते किवें सही मुस्लिम दी रवायत सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला को बयान करदे ने रात दा वक़्त मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी बारगाह दे अंदर हाथ उठाए ने ते आप पढ़दे पए ने हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दुआवां दा तज़किरा रब्बि इन्ना गुन्ना अज़लना कसीरन मिनन नास फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह कोलों दुआवां कीतियां अल्लाह मेरी कौम बुतां ने गुमराह कर दिता है अल्लाह जिन्ना दिनों जिन्ना मेरी फरमा बरदारी की मेरे ने ते जिन्ना ना फरमानी की तू जानते हो जानर फिर नबी पाक ने कदरती ईसा वालियां बातां दी तिलावत की आप पढ़ते ने इन तुआ जेबो खुम फ
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ سونے آن اے اگر عذاب دیوے تے بندے تیرے نے اگر تو معاف کر دیوے تے تو غالب حکمتاں والے. عیسیٰ پیغمبر نے اپنی امت دا معاملہ اللہ دی سپرد کر دیتا. ابراہیم پیغمبر نے اپنی امت دا معاملہ اللہ دی سپرد کر دیتا. گجراں والے والے آ انوار توحید مسجد دندران والے آ جدوں میریاں تیریاں واریاں آئیاں حدیث پاک دے الفاظ فرفع یدیہ اللہم امتی فبقا پیغمبر نے اپنی رحمت والے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے تے آپ فرماتے ہیں اللہ میری امت اللہ میری امت نالے میرے پیغمبر امتی امتی کر رہے نے تے نالے نبی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے نے رسول اللہ کے آنسو میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے عرشاں والے رب نے جبریل امین نو بھیجیا جا جبریل ذرا میرے محبوب نو پوچھ کے آو نا سونا روندا کیوں پیا ہے ہاں رب جان دے نبی پاک کیوں روندے پے نے جبرائیل نو کیوں بھیجئے تاکہ امتیاں نو پتہ چل دے میرے نبی دا رونا کوٹھی واسطے میرے پیغمبر دا رونا بنگلے واسطے نہیں جائیدادوں واسطے نہیں دنیا دیاں دولتاں واسطے نہیں بلکہ نبی پاک کس واسطے روندے جبریل آئے سونیو عرشاں والا رب پوچھدا پے کیوں پے روندے ہو تے نبی پاک فرماندے نے جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے نے اج امتی بھول گیا تے کی ہویا میرے پیغمبر نے اڈ تو 1450 سال پہلے وفاواں کیتیاں نے اج امتی بے وفا ہو گیا تے کی ہویا میرے پیغمبر نے اڈ تو 1450 سال اٹھ کے راتاں دے اندھیرے دے اندر میری تیری بخشش دیاں دعاواں منگیاں نے یار اج تینوں سارا کچھ چنگا لگدے نبی پاک دی سیرت کیوں نہیں چنگی لگدی نبی پاک دا کردار کیوں نہیں چنگا لگدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کیوں نہیں چنگا لگدا جے وال ویکھاں تے نبی پاک دی سنت دے خلاف نظر آندے نے جے میں داڑھی ویکھاں تے نبی پاک دی سنت دے مطابق نظر نہیں آندی جے میں ویکھاں مسلمان دیاں شادیاں تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق نظر نہیں آندیاں جے ویکھاں نبی پاک دے امتی دیاں کمیاں تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کوئی نہیں جے امتی دا کاروبار ویکھاں تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق اے میرے پیغمبر نے تے اج تو کئی سو سال پہلے وفاواں کیتیاں نے امتی آ توں کیوں بے وفا ہو گئے میرے پیغمبر نے تین بھائیاں نے توں کیوں بے وفائیاں کردا پیا اے میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے نے جبریل امین واپس گئے اللہ تیرا نبی تے اپنی امت دے خام دے اندر ہوندا پیا اے اللہ فرماندے نے سونےو جا جبریل جا کے میرے سونے نوں دس دے جا کے پیغام کدے دے سونےو انا سنرزی کبھی امت فرمایا سونے امت معاملے دے اندر پریشان نہ گو جویں تسی آکھو گے اسی اویں راضی کر چھڈاں گے صدقے جاواں قربان ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو دنیا تے ایک دعا دا موقع دتا ہر نبی نے اپنی اپنی دعاواں دنیا تے مانگ لیاں نے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر تے بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے نبی پاک نو طائف دی وادی دے اندر پتھر کھانے پے نبی پاک نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو دکھ برداشت کرنے پے میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر دے امیر خمدہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر دے بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر دے خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر دے ستر کاریاں نو میرے مونا دے علاقے دندر شہید کر دیتا گیا میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی میرے پیغمبر نے اس دعا نو مؤخر کر دیتے
नबी पाक दुआ मंगण गे ते कयामत वाले दिन अपनी उम्मत हक दे अंदर मंगण गे। मेरे पैगंबर ने उम्मत नाल मुहब्बत की थी, मेरे पैगंबर दे आंसू निकले ने ते उम्मत दी मुहब्बत दे अंदर, उम्मत दे प्यार दे अंदर रसूलुल्लाह के आंसू। एक और रवायत सुना समात परमाना, नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी सैयद ना गदर ते बरा इब्ने आजब रज़ियल्लाहु ताला को बयान कर दे ने जामे तिर्मिजी दी रवायत। नबी पाक ने सलातो सलाम एक दिन नबी पाक ने जनाजा पढ़ाए, रहमत कायनात चलदियां चलदियां कब्रस्तान आ गए। आप एक कब्र के किनारे ते बह गए ने, कब्र दी तैयारी दे अंदर कुछ तखीर है। मेरे पैगंबर ने अपना सर मुबारक झुका लिया, नबी पाक दियां नजरां मुबारक झुक गईयां। हन करके सियाबी बयान करदे ने, अचानक नबी पाक ने अपना सर मुबारक उठाए, फबका बल्लसरा। मेरे पैगंबर इतने को रोए ने, इतने को रोए ने कि नबी पाक ने रो रो करके अपने सामने जड़ी मट्टी आंसुआं नल गिली कर दीती है। अल्लाह रसूलुल्लाह के आंसू मेरे पैगंबर रोई जांदे ने ते नाले अपने सियाबा नू फरमाई जांदे ने, मेरे सियाबा इस कब्र दियां तैयारियां कर लो। इस ओ पैगंबर जिदे जिमने गुनाह कोई नहीं, ओ पैगंबर जिदी जात मासूम अनिल खता है, ओ पैगंबर अल्लाह की कसम जिन्ना वर्गा अल्लाह ने पूरी कायनात अंदर पैदा ही कोई नहीं किया, लेकिन कब्र के किनारे बैठे हैं मेरे पैगंबर रोए ने, इतने को रोए ने कि नबी पाक दी दाढ़ी आंसुआं नाल तर हो गई है ते सामने मिट्टी गिलियां कर दीती है। मेरे पैगंबर ने रो रो करके क्यों नबी पाक ने कब्र के बारे अपने उम्मतियां नू समझा दिते, कायनात के लोगों कब्र के अंदर जाने ते तन तनहा जाने, तेरे जनाब पौंड रियाला नाल नहीं जाना, तेरे डालरा नाल नहीं जाना, तेरे दिरमो दिनार ते हजारा नाल नहीं जाना। कबर दे अंदर कल्ला जाएगा, अगर तेरे नाल कोई चीज जाएगी ते तेरे ने कमाल। ओए केड़ा इतो दुनिया तो कोठियां लेके गया है, अज तक ना को कोठी लेके नाल गया है, ना को बंगला नाल लेके गया है, ना को गड्डियां नाल लेके गया है, ना दिरमो दिनार नाल लेके गया है, ना पौन तेरे हाल ना। ओए कायनात दे लोगो इस दुनिया तो जाने ते कलियां जाने, नबी पाक ने कबर ते बैठ के रो के पैगाम दिते, इस कबर दियां तैयारियां कर लो। ते गुजरां वाले वाले हो, मैं फैसला बाद आया ताले बिलम तुम एक गल दस के जाना चाहना, इधर बंदे दे जिस्म दे अंदरों रूह निकल दिए, मुहब्बत दे अंदाज बदल जाते ने, बड़िया बड़िया वफावां करन वाले बेवफा हो जाते ने, बड़े बड़े मुहब्बत के दावे करन वाले अल्लाह की कसम दावे तोड़ते ने। जड़े कहते सुन तेरे बगैर पल नहीं गुजारा हुंदा, एंड सामने चार पई पई होई है, एंड करके जनादा पढ़ाण दा वक्त हो गया, सफा बन गई ने, एंड करके एक दो मिनट भी लेट हो जान लोग आवाजा कसन लग जान, मौलवी जी जल्दी करो जनादा लेट हुंदा पिए। ओ लोग ने जिन्हां दे वास्ते चौकां दे अंदर बह के शराब पीण वास्ते घंटे इंतजार करदा रही है, जिन्हां दे नाल रल के तीन तीन घंटे दियां फिल्मां वेंदा रही है, जिन्हां दे नाल रल के टी ट्वेंटी दे मैच वेंदा रही है, जिन्हां दे नाल रल के कायनात दे लोग सैरो तफरी करदे रह जे। अज जनादे दा मैं ना एक जनादा पढ़ा रहा सा, इंज खड़ा होया चंद मिनट बाद कर लगा वा, एक बंदा बोल करके कहन लगा दर जी जल्दी करो लेट पई हुंदी है। ते जदों मैं उस बंदे दा चेहरा वेखिया, जिस बंदे दी अगे चार पई पई होई सी, अल्लाह दी कसम उहदा करीबी सज्जण सी, ते मैनूं अंदाज़ा हो गया भावें जितनियां मर्जी मुहब्बत करन वाले ने मुहब्बत उन्नी देर तक ने जिनी देर तक सावां दियां डोरां सलामत ने, सावां दियां डोरां टुट जानियां ने, मुहब्बत दे अंदाज खत्म हो जाने ने, बदल जाण। फिर कोई जाएगा जनाजे तक नाल जाएगा, कोई जाएगा कब्र तक नाल जाएगा, कोई जाएगा मिट्टियां पाण तक नाल जाएगा, कोई जाएगा दफनान तक नाल जाएगा, कोई जाएगा कब्र दियां ढेरियां बनाण तक नाल जाएगा। इंज करके मिट्टी दे बुक भर भर के पाण गए, जिन्हां नाल बहुता प्यार सी ओ कोई बहुते मिट्टी दे बुक
भर भर के पाते ने। मैं याद आए वकीले सहाबा खतीबे एशिया हजरत कारी अब्दुल हफीद फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, किसी के मुंह से न निकला मेरे दफन के वक्त ना इस पे खाक डालो ये नगलाए हुए हैं और मट्टी में दबा कर चल दिए। जिन्हें किरात सीखी डायरेक्ट मुहम्मद रसूल अल्लाह तो सीखी है उस कारी तो सदके कई बद नसीब बद बखत नबी पाक दे सहाबा दे बारे बकवास करते ने। अल्लाह की कसम इन्हां नालों वड्डा बद नसीब कोई नहीं जिहड़ा नबी पाक दे यारां दे बारे अपनियां जुबानां दराद कर दे। इतने ओ खुश नसीब ने। मैं ते कहिंदा गुन्ना मां इन्हां वजू दा तरीका सिखिया ते डायरेक्ट नबी पाक कोलों, इन्हां हथ धोण दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलों, इन्हां कुल्ली करन दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलों, इन्हां मुँह धोण दा तरीका सिखिया ते नबी पाक, वुजू दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलो, गुसल दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलो, नमाज दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलो, बैठण दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलो, उठण दा तरीका सिखिया ते नबी पाक कोलो। एक एक अदा नबी पाक दी कापी कीती है ते नबी पाक दी अदावां नूं कापी करके हदीसां बयान कर दित्तियां ने। अज साडे कोल नबी पाक दीआं अदावां हदीसां दी शक्ल दे अंदर मौजूद ने ते बयान करन वाले नबी पाक दे सहाबा ने। मैं ते सहाबा ते मोहब्बत नाल कहिंदा फिरना मां के हम लोग मुहम्मद के यारों के दीवाने हैं, हम लोग मुहम्मद के यारों के दीवाने हैं, ईमान के गुलशन के मौसम की सुगाने हैं, हम लोग मुहम्मद के यारों के दीवाने
हैं। अल्लाह अल्लाह मैं सदके जावा कुरबान जावा नबी पाक ने सलातम सलाम दे सियाबी कुरान पाक दियां तिलावतां करदे जा रहे ने कुरान पढ़ते जा रहे ने पढ़ दियां नबी पाक दे सियाबी फरमांदे ने मैं साया मुबारक इधर वेखिया जे आप दे सियाबी फरमांदे ने मैं साया मुबारक ते पहुंचिया फा कई फाइजा जीना मिन कुल्ली उम्मत बिशहीदिन वजीना भी का अला हाउलाई शहीद नबी पाक ने आया मुबारक सुनिए ते आप फरमांदे ने अब्दुल्ला तलावत बंद कर दे फरमांदे ने मैं तलावत रोक दिती है ते अज नबी पाक दा चेहरा वेख्या ना मेरे पैगंबर दी अखां विचों आंसुआं दियां लड़ियां लगियां ने रसूलुल्लाह के आंसू मेरे पैगंबर अली सलातम सलाम रोई जा रहे ने क्यों इस आया मुबारक दे अंदर कयामत दा जिक्र है कयामत दियां गवाहियां दा जिक्र है मेरे पैगंबर नूं कयामत वाले दिन बतौरे गवाह पेश कीता जाएगा नबी पाक ने कयामत दा जिक्र सुनिया ते आप नबी पाक हा परो पे हाय असी आ रमजान गुजरिया ती पारे सुने ने अख विचों आंसू नहीं निकलिया मेरे पैगंबर ने कयामत दा जिक्र सुनिया नबी पाक रो पे क्योंकि नबी पाक नूं पता सी कुरान की कहिंदा पे सानू पता ही नहीं कुरान कहिंदा की ओ मेरे भाई नबी पाक दी सीरत नूं देखिए पढ़िए बड़ा कुछ सीख लिया इन्ना को दुनिया सीख लीए इतनी को सीख लीए कि साडा दावा असी चन्न ते पहुंच गए असी ते दीन इन्ना भी नहीं सीखिया कि कुरान पाक दा तर्जमा भी आंदा है और मैं ते जगह जगह ते पैगाम देंदा फिरना आज दे मुसलमान ने अपने बेटे वास्ते दुनिया दी तलीम हासिल करन वास्ते 16 साल वकफ कर दिते किन्ने किन्ने ते कुरान दी तलीम वास्ते किन्ने साल लगाए असी मुसलमान असी वाबियां असी देवबंदियां असी बरेलवी असी दीन दे ठेकेदार दुनिया वास्ते 16 साल एक की जी मैट्रिक पास एक की है एफए पास एक की है बीए पास एक की है जी एमफिल एक की है जी पीएचडी है दुनिया वास्ते 16 तो 20 साल लगा दते ने ते दीन वास्ते 1 साल भी दीन वास्ते 1 साल भी माजरत नाल गुस्सा ना करना ये साड़ी दीन नल बेवफाई यो वजह साड़ियां असम्बलियां दे अंदर दीन कोई नहीं यो वजह साड़ियां अदालतां दे अंदर दीन कोई नहीं यो वजह साड़ियां कचहरियां दे अंदर दीन कोई नहीं यो वजह साड़ियां दुकानां दे अंदर साडे बाजारां दे अंदर साडे घरां दे अंदर दीन कोई नहीं साड़ियां नस्लां दे अंदरों दीन खत्म हुंदा जा रही है ओदी वजह एक ही है असी दुनिया बड़ी सीख ली दीन तो सानू नफरत हो गई इधर वध के नफरत की हो सकती कि दुनिया वास्ते 20-20 साल ते दीन वास्ते 1 साल भी कोई नहीं अल्लाह अकबर ला मेरे भाई नबी पाक दी जिंदगी नु पढ़िए छोड़े नबी पाक दी सीरत नु अपनाइए गौर करना मेरा मौजू नहीं बात दूर ना निकल जाए तवज्जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम कुरान सुन के रोए तू भी कुरान सुन के रोया कर कदी कुरान ते गौर करया कर कुरान ते ध्यान करया कर कदी कुरान नाल ओ तेरा ते तेरी नहीं लगदा कुरान नाल अकारी साहब फजर दी नमाज पढ़ांदे पैने ते पढ़दे ने बिस्मिल वारा
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ बाद विच नौजवान भी बोल पे बाबे भी बोल पे मौलवी जी आज ही सारा कुरान सुना देना जी ओ बाबा जिहड़ा तीन घंटे फिल्म वेंदिया नहीं थकिया नहीं अकिया वो जवान जिहड़ा तीन घंटे का टी ट्वेंटी मैच एक लभदे खड़िया होके नहीं थकिया अज कुरान दियां चार आयतां वध सुन के थक गए अल्लाह अकबर अपने पैगंबर की जिंदगी वल गौर कर ते अपनी जिंदगी वल गौर कर रसूलुल्लाह दे आंसू लो चौथी बात तुहाडे सामने रखा मेरे पैगंबर दे आंसू रसूलुल्लाह के आंसू अल्लाह अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी बयान करदे ने नबी पाक ने सलातो सलाम ने अल्लाह ताला कोल इजाजत नहीं ने अल्लाह मैं अपनी वालदा दी कबर ते जाना चाहना मैं अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नु इजाजत दे दितियां ने एक गल याद रखे अज गुजरां वाले वालियो मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम पैदा नहीं सुनाए मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी पैदाइश तो पहला आप दे वालदे ग्रामी सरदार अब्दुल्ला इस दुनिया तो रेलत फरमा गए ने ते मेरे पैगंबर सलातो सलाम दी वालदा पांच या छे साल दी उम्र दे अंदर जुदाइयां दे गईयां अल्लाह अकबर कायनात दे लोग इस गल नूं ते समझदे हो बंदे दे दिल दियां ख्वाहिशां बंदे दियां आरज़ूआं ते उम्मीदां उदों ही पूरियां हुंदियां ने जदों सिर ते बाप दा साया सलामत होए बाप टुर जाए अपनी कमाई नाल ते बंदे दे अपने मखराजात मसां पूरे हुंदे ने ऐशा खुंदियां ने ते बाप दे खुंदियां खुंदियां ने मौजां खुंदियां ने ते बाप दे खुंदियां खुंदियां ने मैं ते सिवाब ते कहंदा फिरना वा अनोखी सारी दुनिया से मोहब्बत बाप करता गए मोहब्बत बाप करता गए अनोखी सारी दुनिया से मोहब्बत बाप करता गए मोहब्बत बाप करता गए कभी तुमने ये सोचा गए खिलौने तोड़ने वालों कभी तुमने ये सोचा गए खिलौने तोड़ने वालों तुम्हारे ख्वाब होते हैं हमारे ख्वाब होते हैं हकीकत बाप करता गए हकीकत बाप करता गए अनोखी सारी दुनिया से मोहब्बत बाप करता गए मोहब्बत बाप करता सभी रिश्ते प्यारे गए मगर औलाद की खातिर सभी रिश्ते प्यारे हैं मगर औलाद की खातिर सभी रिश्ते प्यारे हैं मगर औलाद की खातिर किसी से कौन की सकती किसी से कौन की सकती जो हिम्मत बाप करता गए जो हिम्मत बाप करता गए रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा या ना सगीरा या अल्लाह पाक मेरे समेत जिन्ना दे वालिदैन इस दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बाग बना जिन्ना दे जिंदा ने अल्लाह जिंदगियां च बरकत फरमा
अल्लाह जिन्हां दे मापे बीमार ने शिफाए कामल आज लाता फरमा माशाल्लाह तुहाडे महबूब खतीब मुबल्लिगे इस्लाम खतीबे इस्लाम हजरत मौलाना कारी इनामुल्लाह उस्मानी साहब हाफिज़ुल्लाह तशरीफ लेके आए और बरादरे मोहतरम कारी रियाज महमूद साकत साहब भी तशरीफ फरमा अल्लाह ताला कारी साहब दा आना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह चंद मिनटां दे अंदर बास मेटा तवज्जो है माशाल्लाह के बस करा तवज्जो है अनोखी सारी दुनिया से मोहब्बत बाप करता है मोहब्बत बाप करता पंजाबी दे अंदर दो जुमले पढ़ जावा बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है बाप औलाद रिश्ता वखरा हुंदा है तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा शेरा वांगू हौसले बाप सिखा दिंदा शेरा वांगू हौसले बाप सिखा दिंदा आप तके खाके पुत्र पढ़ा देंदा शेरा वांगू हौसले बाप सिखा देंदा आप तके खाके पुत्र पढ़ा देंदा बाप वर्गा दसो का हौसला किंदा है तुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है मेरे पैगंबर दे सियापी फरमा ने आपने फरमाया मैं अल्लाह को इजाजत मंगी अपनी वालदा की कबर ते जान दियां अल्लाह ने मैनू इजाजत दे दितियां मेरे पैगंबर चल दियां अपनी वालदा मुहतरमा की कबर ते चले गए ने गुजरां वाले वाले आ बंदा जिस भी मुकाम ते चला जाए जिस भी मनसब ते चला जाए बंदा इमाम बन जाए खतीब बन जाए डॉक्टर बन जाए जज बन जाए प्रोफेसर बन जाए वजीर आजम बन जाए सदर जा बन जाए मां ते मां होया कर दिए ना और मापिया दियां कमियां बंदे नूं पल पल महसूस होंदियां ने अल्लाह की कसम अल्लाह दे पैगंबर ने अल्लाह ताला ने 950 साल तौहीद दी दावत ऐ कम लिया है लेकिन अज बैठिया बैठिया मां बाप याद आ गए ने ते पैगंबर भी कौन ने जिन्ना दा नाम हज़रत नूह अली सलातुम सलाम ते पता की दुआ करदे ने रब्बे गफिली वाली वाली तैया रब्बे गफिली वाली अल्लाह मैनू भी माफ कर दे ते मेरे मां बाप नू भी माफ कर दे एदे तो पता चलदा है अल्लाह दे नबियां भी अपने फौत होने वाले मापिया नू भुलाया नहीं भुलाया अपनियां दुआवां विच याद रखिए मैं दरख्वास करांगा तुहाडे अगे किते मां बाप याद आ जाण ते उहनां वास्ते रज के बख्शत दी दुआ करिया करो ए नबियां दा तरीका जे मेरे पैगंबर सलातों सलाम वालदा दी याद आई है ते नबी पाक ने सलातों सलाम वालदा मुहतरमा दी कबर ते चले गए ने शाबी फरमांदे हैं जे नबी पाक इक ढेरी ते बह गए ने मेरे पैगंबर सलातों सलाम इस मट्टी दी ढेरी दे अंदर हथ मारी जा रहे ने नाले नबी पाक अली सलातुम सलाम बकावा मन अबका हौलग बकावा मन अबका रसूलुल्लाह के आंसू बकावा मन अबका हौलग मेरे पैगंबर आप भी रोए ने ते नबी पाक दा रोना वे करके नबी पाक दे गिरद जितने सहाबा ने ओ भी रोण लग हुण अंदाजा लगा लो मेरे पैगंबर अपनी वालदा दी कबर ते कितने रोए होणगे ये नबी पाक नु रोंदियां वे करके नबी पाक दे यारा दियां अखां विच हुईयां सू आ गए ते नबी पाक दे सहाबा कहंदे ने सुणियो इत्थे रोंदे पए हो की गल है मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा ए कबर मेरी अम्मी दी कबर है इस मुकाम ते मेरी वालदा मुहतरमा ने मैनू जुदाइयां दित्तियां सन इंज कह लो नबी पाक अली सलातुम सलाम ऐ वालदा दी कबर ते बैठे ने ते आंसू बहा रहे ने मेरे तुहाडे वास्ते पैगाम है मापे जिंदा ने ते कदर कर लेनी चाहीदी है मापे जिंदा ने तेना दा एहतराम कर लेना चाहीदा है वरना मां बाप टुर गए
ते कबर ते बैठा रोंदा रह जाएगा, तेरे आंसू पूंजन वाला कोई नहीं होएगा। अल्लाह की कसम इस मजमे के अंदर कई जवान बैठे होंगे जिन्हां दी जेबां दे अंदर लखां दी दथियां होंगियां, लेकिन अल्लाह की कसम मां कहण वास्ते अम्मी कहण वास्ते गुजरां वाले दे कब्रस्तान विच जाना पैंदा है जिथे अम्मी दफन हो गई है। अज जिंदा कदर कर ले जे टुर गई कबर अंदर ओ चले आ मां नहीं लभणी, ओ यारा मां नहीं लभणी, ऐ हो जई ठंडी ते मिठी किते वी चा नहीं लभणी, ओ यारा मां नहीं लभणी। जितों दुनिया सताएगी जितों दुनिया सताएगी फिर तेनू माया आएगी, तू रोवेगा कब्र ते बै, तू रोवेगा कब्र ते बै, तू रोवेगा कब्र ते बै, अगों फिर गां नहीं लभणी, यारा मां नहीं लभणी। रोवेगा सतावेगा जे दिल मानदा दुखावेगा, रोवेगा ओना फरमानिया कन वाले मां दियां, मां नू तलख जुमलिया नाल जवाब देण वाले आ, मां दियां गुस्ताखियां ते तोहीन करन वाले आ। रोवेगा सतावेगा जे दिल मानदा दुखावेगा, गमां तों सर छुपावण लई किते वी थां नहीं लभणी, यारा मां नहीं लभणी। मेरे पैगंबर रोए अपनी वालदा मोहतरमा दी कबर ते। आखरी गल करा, मेरे पैगंबर सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने चार बेटियां ते तीन बेटे अता कीते। मैं नबी पाक दा बेटियां दे दुख दे अंदर रोना बयान करा, घंटा डेढ़ घंटा दरकार है, लेकिन कायनात दे लोगो मैं गल मुकाना चाहना। हजरत शेरे इस्लाम तशरीफ लै आए ने, गल अख्तताम वल लैके जाना चाहना। नबी पाक अली सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने चार बेटियां ते तीन बेटे अता कीते। नबी पाक दियां चारे बेटियां जवान होईयां ने, चारां बेटियां दा नबी पाक ने निकाह कीता है। नबी पाक दे तीन बेटे बचपन दे अंदर ही अल्लाह नूं प्यारे हो गए, ते रहमत कायनात अली सलातु वस्सलाम दा आखरी बेटा जिन्हां दा नाम हज़रत इब्राहीम है, नबी पाक नूं पता चलिया मेरा बेटा बीमार है। अज रहमत कायनात अली सलातु वस्सलाम चलदे चलदे आए, एक गल जानदी उहनां मापियां नूं औलादां दे दुख कमजोर कर दिया करदे ने, औलादां दियां तकलीफां मापियां दा कलेजा चीर करके रख दिंदियां ने, औलादां दियां तकलीफां मां बाप नूं परेशान कर दिंदियां ने। बंदे दे आ अपने जख्म होए उतनी तकलीफ नहीं हुंदी जितनी बेटे दे जख्म दी तकलीफ हुंदी है, बंदे नूं अपने दुख दा इतना दुख नहीं लगदा जितना धी दे दुखी होण दा दुख लगदा है। मेरे पैगंबर नूं पता चलिया बेटा बीमार है, रहमत कायनात अली सलातु वस्सलाम तशरीफ लै करके आए। 18 महीनियां दा मेरे पैगंबर दा लाल ऐन करके रहमत कायनात ने अपने खत्तां ते अपने लाल नूं उठा लिए। आप कदी हज़रत इब्राहीम दा चेहरा वेंदे ने ते कदी आसमाना वल वेंदे ने। आप फरमांदे ने अल्लाह अगर मेरे लाल नूं शिफावां दे देवे ते तेरे अगे किहड़ियां मुश्किलां ने, लेकिन आसमाना ते फैसले कुछ होर ही हो चुके ने। इन्ना अजल अल्लाह की इज़ा जा अला युअखर, जदों मौत दा वक्त आ जाए ते इह वेला टल सकदा वेला टल नहीं जे। ओए किस गल दा मान करना है, किस गल दा गुरूर करना है, किस गल दा फखर करना है, किस मान ते शराबां पींदा फिरना है, किस मान ते जिना करदा फिरना है, ओए किस मान ते लोगां दी इज्जतां दागदार करदा फिरना है। पल दा भरोसा कोई नहीं, घड़ी दा पता कोई नहीं, किस मान ते एडे एडे दावे करदा फिरना है। ए रमदान दे अंदर इक वाकया बड़ा वायरल होया, कश्मीर दे इलाके जिला भाग दा, एक बाप 3 साल बाद बाहरले मुल्क
मुल्क तो वापस आ रही है ते 3 साल का बेटा अपनी मां नाल जिद कर बैठा, अम्मा जी मैं अपने बाबा नू एयरपोर्ट तो लैन जाने है, वेलकम करन जाने है, इस्तकबाल करन जाने है। ते होया की है, रस्ते दे अंदर रोड एक्सीडेंट होए, ए बच्चा भी फौत हो गया, गाड़ी दियां बाकी सवारियां भी फौत हो गईयां। ए 3 साल बाद आने वाले बाप नाल बेटे दी मुलाकात हुई। ए मेरे रब दियां मर्जियां ने, ना तकबर करिया करो, ना गुरूर करिया करो, हर उठन वाला कदम ध्यान नाल उठाया करो, हर बोलन वाला जुमला ध्यान नाल बोलिया करो। गौर कानो कारे ने, गुरूर कानो कारे ने, हुसन ते जवानी दा जिंदगी तेरी जीवे, बुलबुल पानी दा ओ तेरिया ते बंदे सामा मीनी तेरिया ओ तेरिया ते बंदे आ सामा मीनी तेरिया मौत रोज मार दिए तेरे घर फेरिया तेरे घर फेरिया कबर नू उड़ीकाने ते रहदिया ने तेरिया मौत रोज मार दिए तेरे घर फेरिया तेरे घर फेरिया कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना है तियां पुत्तां तेरियां ने ना कम तेरे आना है जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरिया जिन्ना लई तू दिने राती करे घेरा फेरिया मौत रोज मार दिए तेरे घर फेरिया इंज नबी पाक दे खत्तां ते मेरे पैगंबर दा लाल आखरी की जिकी लई है जान जाने आफरी दे कवाले कर दिती है। उठाइए सीरत दियां किताबां उठाइए हदीस दियां किताबां मैं ते पढ़ा वेखे एडे दुख भरे जुमले नबी पाक ने किसे मौके ते इरशाद नहीं फरमाए जिन्ने दुख भरे जुमले मेरे पैगंबर ने अपने बेटे दी जुदाई ते अल्लाह इरशाद फरमाए क्योंकि अल्लाह फरमांदे ने अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया ऐ पुत्र दुनिया दा हुस्न ने ऐ पुत्र दुनिया दी खूबसूरती ने इहदे अल्लाह फरमांदे ने ज़ीन लिन्नासी हुब शगवात मिनन निसा वल बनी अल्लाह फरमांदे ने सी दुनिया नु सजा दित्ता पुत्रां दे नाल अल्लाह को मैं वेखिया कोठियां वाले रोंदे नजरा मैं कह यार एड्डी वड्डी कोठी है अखां विच आंसू क्यों ने कहिंदा ना मौलाना की करना है इन्हां कोठियां दा इन्हां कोठियां दे अंदर खेलण वाले पुत्र कोई नहीं इन्हां बंगलियां दे अंदर खेलण वाले लाल कोई नहीं मेरे पैगंबर दे हत्थां दे अंदर मेरे पैगंबर दा बेटा इब्राहिम जुदाइयां दे के चला गिए ते आप दियां अखां डुलियां रसूल अल्लाह के आंसू मेरे पैगंबर रोए मेरे पैगंबर फरमांदे ने इन्ना लाई ना तदमा वल कल्ब यखज़ुन इन्ना या इब्राहिम ला मखज़ून मेरा लाल इब्राहिम तेरी जुदाई ने तेरे बाबा मुहम्मद नू रोण ते मजबूर कर दिता है अखां रोंदियां पईयां ने दिल परेशान है इन्ना लाई ना तदमा ओ दुआ करो अल्लाह औलादां देवे ते औलादां दियां खुशियां अता फरमाए अल्लाह औलादां देवे ते औलादां दियां बहारां अता फरमाए अल्लाह औलादां देवे ते औलादां दियां खामियां खुश नसीब वो लोग ने जड़े अपने पुत्रां नू अपनी जिंदगी दे अंदर कामयाबी दे मराहल तय करदे वेंदे ने खुश नसीब ने ओ मापे जिन्हां दियां जिंदगियां दे अंदर उन्हां दे पुत्र खतीह बन गए ते बाप ने अज सामने बह के अपने लाल नू जुमा पढ़ांदे आ वेखिए ला बाप ने अपने लाल नू नमाज पढ़ांदे आ वेखिए बाप ने अपने लाल नू मुसल्ला सुणांदे आ वेखिए खुश नसीब
सकते हो मापे जिन्ना अपने बच्चियां दियां खुशियां अपनी जिंदगी दे अंदर वेखियां ने वरना इंज भी बन जांदे मेरे पैगंबर दे खतां दे अंदर नबी पाक दा बच्चा छोटी उम्र दे अंदर जुदाइयां दे गिए हा फरमांदे ने पुत्रा मेरी अखां रोंदियां पईयां ने दिल परेशान है लेकिन मैं अपनी जुबान विचों ऐसा कोई जुमला नहीं कहांगा जिदे नाल मेरा रब नाराज हो जाए अखां जरूर रोईयां ने पर रब दा शिकवा नहीं कीता मेरे पैगंबर ने इस मौके ते मैनू तेनू पैगाम दिता गल मुक गई तकरीर मुकम्मल हो गई मेरे पैगंबर ने मैनू तुहानू दसी है कि मनिए रब दी रजा बस जानदा खुदा मनिए रब दी रजा बस जानदा खुदा नहीं किसे नू पता कल की गोवणे मनिए रब दी रजा बस जानदा खुदा नहीं किसे नू पता कल की गोवणे भाई रब कोलों डरिए बहुता माण ना पे करिए भाई रब कोलों डरिए बहुता माण ना पे करिए उच्चा दम ना पे भरिए नहीं झट दा विसा नहीं पल दा विसा नहीं किसे नू पता कल की घूमणे मनिए रब दी रजा मनिए रब दी रजा बस जानदा खुदा नहीं किसे नू पता कल की घूमणे होना ओ जा रब नू पाणा लिखिया किसे पासे नहीं ओ जाना होना ओ जो रब नू पाणा लिखिया किसे पासे नहीं ओ जाना भावे जिड्डा कोई सियाणा हो जांदी ए खता नहीं किसे नू पता कल की घूमणे मनिए रब दी रजा बस जानदा खुदा नहीं किसे नू पता काली की गोवणे अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रही है फरमाया औजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम वलनब्लुवल्लकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुल ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے اہم پہلو دے پانچ واقعات تواڈے سامنے رکھے نے ਇਨਾ ਪੰਜਾ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਨਾ ਪੰਜਾ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਕੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਏ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ ਸਬਕ ਕੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ
फौत हो जान जिंदा होने ते कदर करनी चाहिए, फौत हो जान ते दुआ करनी चाहिए। ते पंजवे नंबर ते भावे अल्लाह दा नबी भी होए, अल्लाह ताला ने नबियां दे दिल दे अंदर भी औलाद दी औलाद दी मुहब्बत रखिए। मेरे पैगंबर असी लभे हां रब नूं माज़ अल्लाह एडे एडे कुफरिया जुमले बोले हां, नबी पाक दी सीरत दे हर एक पहलू दे अंदर साडे वास्ते सबक ने। बड़ा लंबा मौजू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू, चूंकि कारी साहब आ गए ने, अल्लाह ताला हजरत कारी साहब नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिस तरह भाई अजीम साहब फरमा रहे सन, मैं नहीं सी आना चाहता, बेटे नूं काफ़ी चोट लगी है, छोटी बेटी 2.5 साल की मोटरसाइकिल तो गिरे ने, काफ़ी चोटा लगियां ने, फिर भी अल्लाह ने हाजरी का मौका दिता है। भाई अदनान यकूब मुगल साहब उन्हां दी दावत सी, तुहाडे अहबाब की मुहब्बत सी, मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर हाजिर होया। अल्लाह को दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। एक हुक्म आए तो इंशाल्लाह बस दो जुमले पढ़ के इजाजत चाहवांगे, बाकी उधार सही। माई अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। उची को सुभान अल्लाह, चा सुनी है इधर खिंच के को सुभान अल्लाह। अम्मा अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। बीबी अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। ओए कलम कदरां दी की सुनावा, कलम कदरां दी की सुनावा, आखे गली मां वारी जावा। कलम कदरां दी की सुनावा, आखे गली मां वारी जावा। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाले। अम्मा अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले। आखिरी जुमला जे अपनी मोहब्बत का सबूत देना जे, मैं पता लगे मैं गुजरां वाले दे अंदर बैठ के नबी पाक दे यारां दा जिक्र कीता ते गुजरां वाले वाले वाकई नबी पाक दे यारां दे नौकर ने। माई अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। सिती कुमर दी क्या बाबे, जिन्हां दा ईमान है खिंच के को सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कहा सिद्दीक उमर दी तुसा हाथ चुक के कहना क्या बात है। सिद्दीक उमर दी क्या बात है, सिद्दीक उमर दी, सिद्दीक उमर दी, सिद्दीक उमर दी क्या बात है। मिलिया जिन्हों सोने दा साथ, सुते अज भी हाय, सुते अज भी, सुते अज भी आका दे नाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। अम्मा अमीना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल। सिद्दीक उमर दी गल होई ते भाई दा हुक्म आए, किते कोई ये ना समझे लोग सहाबा नूं ते मनदे ने, सिद्दीक उमर ते उस्मान नूं ते मनदे ने, हजरत अली नूं नहीं मनदे। बस दो जुमले पढ़ के फिर गल मुकाइए। ना सुन के ना सुन के ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। जिन्हां दा दिल ठरिया को सुभान अल्लाह, एवें
लोग बकवास करते ने भाभी हज़रत अली दे गुस्ताख ने, मैं कहना जुबान सड़ जाए जड़ी अली पाक की गुस्ताख है, उस दिल के अंदर कीड़े पै जान जिस दिल के अंदर हज़रत अली का भुगत है, उस खून नू ब्लड कैंसर हो जाए जिस खून के अंदर हज़रत अली की मुहब्बत कोई नहीं। अहले हदीस का दिल पाक है, साफ है, इस दिल के अंदर सारे सहाबा का भी एहतराम है, तमाम अहले बैत का भी एहतराम है, अल्लाह के वलिया का भी एहतराम है। ना सुन के ना सुन के ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठार जांदे, जिन्नू मोमिन दा मैं पीरा खा सचिया कदिया कदवीरा खा सचिया कदिया कदवीरा खा, ओ जेड़ा काफरां नू तड़पांदे ते दिल मेरा ठार जांदे, जेड़ा काफरानू तड़पांदे ते दिल मेरा ठर जांदे। ना सुन के ना सुन के ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। इन्दा यार मिजाज बड़ा है तेरे नू सिर दा ताज बड़ा है तेरे नू सिर दा ताज बड़ा, मुनकर वैरी सड़ जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे, मुनकर वैरी सड़ जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे। ना सुन के ना सुन के ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। मोहम्मद अहमद हसन साजो साहब ने अल्लाह ताला इनका हमारी मस्जिद में आना, आप अहबाब का इनका खिताब समात करना, अल्लाह सब का अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह वाम दा जोश वेख के इंज लगता है कि जिवें हुणे हुणे कारी साहब ने तकरीर शुरू की है तो नाल ही मुक गई है इन्ना माशा